असल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो आज जी आ, कल बल्कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ है और एक गुड न्यूज़ भी है उन एस्पायरेंट्स उन कैंडिडेट्स के लिए जो काफ़ी अर्से से उन्होंने अप्लाई तो किया हुआ था लेकिन एस पी एस के थ्रू टेस्ट कन्डक्ट नहीं किया गया तो उन लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ है आखिर क्या वो टेस्ट कर रहे करें अगर कर रहे हैं तो कब करें और उसका क्या तरीक़ेकार है आ, ये आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी और यह जो प्रेस रिलीज़ है आपको ईजली जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे मिल जाएगा अच्छा सबसे पहले इन्होंने एक एक कहते हैं ना कुछ चीज़ों की वजाहतें दी हैं जो आपको नोट करना बहुत ज़रूरी हैं सबसे पहले इन्होंने ऊपर यही कहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स उनको इन्फॉर्म किया जाता है वो कैंडिडेट्स जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपेयर होंगे उनके पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है जो इंजीनियरिंग कैडर साइड से हैं Uh, या उन्होंने असिस्टेंट एग्जिव इंजीनियर्स के लिए अप्लाई किया है या उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है मैकेनिकल पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पे केमिकल पे या सिविल पे और कौन कौन से डिपार्टमेंट में उन्होंने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन वर्क एंड सर्विस डिपार्टमेंट एजुकेशन वर्क स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट और एडवरटाइजमेंट नंबर भी आप नोट कर लें ये यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कंडक्ट इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो है मतलब ये टेस्ट कंडक्ट होने थे 2019 से 2022 तक लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने ये टेस्ट कंडक्ट नहीं किया या कोविड की वजह से भी और दूसरा एक आपको पता है कि एस में इश्यूज चल रहे थे तो उस वजह से भी इन्होंने ये टेस्ट कंडक्ट नहीं किया लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी मेंशन है मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा देख लें जी तो एज एग सेड एग्जामिनेशन आर पेंडिंग फॉर लास्ट थ्री इयर्स इफ सेपरेट रिटर्न एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड फॉर ईच कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट इट विल टेक कंसिडरेबल टाइम एंड रिसोर्स टू कम्प्लीट द प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जैसे मैंने ऊपर बताया हर डिपार्टमेंट था हर डिपार्टमेंट के अलग पोस्ट थी उसके आ, 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 उसका आ, क्या कहते हैं अलग पेपर था उसके अलावा अलग अलग एडवरटाइजमेंट थी तो आ, उसमें ये फ़ायदा था कि अलग अलग आप पेपर दे रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि एक तो अगर हम उनका टेस्ट लेंगे तो हर एक कैटेगरी और या हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग टेस्ट लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा लगेंगी इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए ठीक है अब यहाँ पे इन्होंने एक इशू बता दिया अब उसको कैसे वो सॉल्व करें वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इस थॉट के साथ एसपेरेंट्स का जो टाइम है वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और इसलिए एस पी एस ने डिसाइड किया है कि एक कंपल्सर एक कंबाइंड एग्जामिनेशन लिया जाएगा या इंटीग्रेटेड उसको नाम दें या कंबाइंड एग्जामिनेशन नाम दें एसपेरेंट से लिया जाएगा और वो एक बार ही लिया जाएगा ठीक है ये नहीं है कि आप वर्क एंड सर्विसेज में आपने अलग अप्लाई किया था तो आपने आ, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग अप्लाई किया था तो आप अलग अलग एग्जाम देखें नहीं उनसे एक ही कम्बाइंड एग्ज़ाम दिया जाएगा और फिर कैसे कंबाइन होगा वो उन्होंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है ठीक है और ये कब होगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब ये इन्होंने मैंशन किया है कि फेब में ही 2023 यानी इसी महीने में ही ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे अच्छा आगे इन्होंने जो पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा आप देखें अगर आप थोड़ा सा इस पैराग्राफ को देखें तो इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट uh, बातें यहाँ से शेयर किए हैं अगर हम थोड़ा सा यहाँ से इसको देखें तो इन्होंने कहा है कि जितने भी पेरेंट्स हैं हु हैव इन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट विल हैव टू अपेयर विल हैव टू अपेयर इन जनरल कम्पल्सरी पेपर्स ओनली वंस जैसे फ़ॉर एग्जांपल मैंने वर्क एंड सर्विस में भी अप्लाई किया था मैंने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी अप्लाई किया है ठीक है सिविल के लिए ठीक तो जाहिर सी बात है कंपलसरी तो दोनों में सेम होंगे आ, ये तो नहीं है कि उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट तो दोनों में सेम होते हैं तो ये नहीं है कि मैं उसमें अलग अपेयर होंगी उसमें अलग नहीं कंपलसरी फिर आपका एक ही लिया जाएगा ठीक है एक बार ही आपका कंपलसरी पेपर लिया जाएगा एंड विल बी कंसीडर फॉर ऑल कैटेगरीज फिर फिर जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया हुआ है उसी में आपके कंपलसरी के वही मार्क्स वही जो है वो पेपर आपका कंसीडर किया जाएगा ठीक है अब उसके अदर हैंड देखें उसके अपोजिट में देखें दे विल हैव टू अपेयर इन प्रोफेशनल कंपल्सरी पेपर्स ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट वेयर एसपेर हैव टू अपेयर only ones in optional paper if they have of same optional papers in all departments बहुत important point ठीक है इसमें देखें इन्होंने ये कहा है कि अगर आप आ, उसके बाद आपने professional पेपर के लिए अप्लाई प्रोफेशनल पेपर देना पड़ेगा अगर आपने फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और अगर मैं कह रही हूँ वर्क एंड सर्विस डिपार्टमेंट में दोनों में कंपलसरी तो आपने एक बार दे दिया अब आ जाते हैं ऑप्शनल ऑप्शनल में भी अगर आपने दोनों में सेम रखा था तो फिर भी आपका एक ही होगा ये नहीं कि आप उसके लिए अलग दोगे उसके लिए अलग दोगे नहीं ऑप्शनल फिर आपने सेम ही वहाँ पे भी आपका एक बार ही कंसीडर किया जाएगा अलग अलग नहीं कंसीडर किया जाएगा ठीक है और बाकी जो है आ, अगर हम थोड़ा सा यहाँ से देखें तो इस पैराग्राफ में उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है हाउ एवर दोज हैव ऑप्ट फॉर डिफरेंट ऑप्शनल पेपर फॉर द पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट विल हैव टू अपेयर इन ईच ऑप्शनल पेपर कंपलसरी हो गया एक बार उसको साइड पे करें ऑप्शनल अगर सेम है तो एक बार हो गया वो भी साइड पे करें अब हम आ जाएंगे वो पेपर्स जो दोनों डिपा दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑप्शनल थे तो वो फिर आपको अलग अलग आपने पेपर्स देने होंगे इन दिस रिगार्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन ऑफ एस पी एस विल इशू अ कम्प्रीहेंसिव डिटेल एडमिशन लेटर विद कलरिटी ऑफ कंपलसरी प्रोफेशनल कंपलसरी एंड ऑप्शनल पेपर अलॉन्ग डेट एंड टाइम अब देखिए अब ये आपका हेड एक नहीं है कि आप हाथों पर गिने कि जी इस दिन मेरा ये पेपर है इस दिन मेरा नहीं इसलिए इन्होंने आई टी एस यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन जो है आईटी डिपार्टमेंट जो है वो एसपीएस का वो आप कंप्लीटली डिटेल जो है वो एडमिशन लेटर या स्लिप जो है वो आपको जारी करेगा जिसमें आपका प्रॉपर टाइम किस दिन आपका कौन सा पेपर है वो आपको मेंशन किया जाएगा हाँ आप ख़ुद भी थोड़ा अपना हिसाब किताब लगा सकते हैं कि उसमें मैंने ये लिए थे उसमें मैंने ये क्योंकि अगर आप अकाउंट में जाएंगे वहाँ आपको पूरा डिटेल मौजूद होती है आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं अच्छा ये मुझे एक बार देना पड़ेगा ये दो बार देना ये मेरे अलग अलग होंगे ये मेरे सेम है तो आप खुद भी अपना हिसाब किताब कर सकते हैं ठीक है अच्छा अब ये तो ऊपर की अपेयरिंग वगैरह की अच्छा अब थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने फेल कैटेगरी का जिक्र किया है अब इन्होंने जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट द रिज़ल्ट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट विल बी अनाउंस सेपरेटली अब जितना भी कैटेगरी का डिपार्ट जो डिपार्टमेंट जो रिजल्ट होगा हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अनाउंस किया जाएगा अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है अपेर इन एनी ऑफ द जनरल कंपलसरी ही विल बी कंसीडर एब्सेंट इन ऑल कैटेगरीज फ़ॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूरल डिपार्टमेंट के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं कंपलसरी में नहीं पहुंच पाती फॉर एनी रीज़न लेकिन फिर बाद में जो है वो एग्जाम होता है आ, आ, उसका वर्क एंड सर्विस का तो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाकर अपना पेपर दे दूँगी नहीं मैं फिर उस कैटेगरी में फेल कंसीडर की जाऊँगी ठीक है चाहे मैं अपेयर नहीं चाहे मैं फेल हुई हूँ चाहे मैं एबसेंट हुई हूँ दोनों उसमें उस सिचुएशंस में देखें यहाँ पे भी ना फेल टू अपेयर इन प्रोफेशन कंपलसरी ठीक है अगर आप कंपलसरी में फ़ेल हो रहे हैं आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो तो आप सब में फ़ेल हो हर कैटेगरी में फ़ेल हो इसी तरीके से ये प्रोफेशनल के भी बात होगी अगर आप प्रोफेशनल आपने वहाँ पे दे दिया अपना ये सिंध रूलर में दे दिया और फिर आप जो है यहाँ पे वर्क एंड सर्विस में नहीं दे पाए तो वहाँ पे भी आप जो है वो फेल कंसिडर किए जाओगे ठीक है दे आर फॉर्क इंडियर स्पेंट हुई इन डिफरेंट अपेयर इन ऑल पेपर्स मैं एडमिशन लेटर आपके एडमिशन लेटर में सारी क्लियरटी होगी आप वहाँ से जो है वो तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें कमेंट करें दूसरों के साथ जरूर शेयर करें इनशाला हजरों की नेक्स्ट वीडियो में तब तक मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ